मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा अलीराजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी अनीता चौहान के समर्थन में जनसंपर्क कर भाजपा को जिताने की अपील की है। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए विपक्ष कांग्रेस को आड़े हाथों लेते नजर आए हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा बुधवार शाम अलीराजपुर पहुंचे और भाजपा प्रत्याशी के लिए जनसंपर्क किया है। इस दौरान मीडिया से चर्चा में कहा कि भाजपा मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर देश की जनता में अपार उत्साह है। देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनने का पूरी तरह से मन बना लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जिले में संभावित सभा को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस की जमीन पूरी से खिसक चुकी है, इसलिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भाजपा में आ रहे हैं और पार्टी की रीति नीति को अपना रहे हैं। अचानक नहीं, ये निरंतर दौरा है और इस समय लोकसभा का चुनाव चरम सीमा पर है और मुझे लगता है कि इस मध्य प्रदेश में 29 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। 29 सीट पर हम जीतेंगे। यहाँ पर अभी सीट हमारी जो बहन अनीता जी चौहान, हमारी श्रीमती जो उम्मीदवार है, मुझे लगता है कि रिकॉर्ड तोड़ मतों से हमारी जीत होगी और पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार उत्साह है, अटूट विश्वास है, मोदी जी के प्रति भरोसा है और निश्चित रूप से देश की जनता तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री के रूप में बिठाना चाहती है। 6 मई को राहुल गांधी आ रहे अलीराजपुर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस की जमीन खिसक गई है और मुझे लगता है कि जनाधार भी उनका बिल्कुल समाप्त हो रहा है, इसलिए कांग्रेस के नेता अनर्गल बयान दे रहे हैं और वो विचलित हो गए हैं। बड़े बड़े कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति के साथ में वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं तो ये अपील करूंगा सभी मतदाताओं से, सभी जनता से, कि 13 तारीख को जो मतदान होने वाला है उसमें अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को कमल के फूल पर बटन दबा करके भारी वोटों से चुनाव जिताएंगे और फिर देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। जीतू पटवारी का कहना है कि कम से कम 15 सीट कांग्रेस जीत रही है मध्यप्रदेश। जीतू पटवारी से जाकर के पहले पूछो कि कांग्रेस का क्या हाल हो रहा है, अभी इंदौर में क्या हुआ ये जरा पूछे उनसे कि आप कहाँ खड़े हो। इस रतलाम संसदीय क्षेत्र में कांतिलाल भुजिया को कितने वोटों से हराएगी भारतीय जनता पार्टी? प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी।